Okay, हम लोग what we are going to do is हम लोग sine wave, square wave, triangle wave उसकी frequency, how to measure frequency and how to measure the amplitude that we are going to study. ठीक है, this is function generator which will generate sine wave, triangle wave, square wave, like all these things are generated by function generator. ठीक है, यहाँ पे जो भी waves आएगा and we'll see how to measure its frequency and its amplitude. ठीक है, let's see. One thing you have to remember, there are two outputs in function generator. One is 50 ohm output and other is TTL output. आपको output लेना है 50 ohm output से. ठीक है, is that clear? 50 ohm output से output लेना है. And then you can give your this output to either of this channel, channel 1 or channel 2. किसी में भी आप दे सकते हो. For example, अभी मैं channel 1 में दे रहा हूँ. तो channel 1 के अंदर you can see I got one sine wave. क्योंकि यहाँ पे sine wave selected है, देखो. ठीक है, sine wave is selected and it is of what frequency? 3 kilohertz का range है और जिसके अंदर हमारी frequency कितनी है? 408. Is it clear? समझ आ रहा है? यहाँ से मैंने select किया and I can change the frequency from here. By changing this thing, I can change the frequency. You can see. Frequency change हो रही है? ठीक है? Suppose let's make it 1 kilohertz. कितना कर देते हैं? 1 kilohertz. So around 1 kilohertz है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस CRO. अब CRO पे आप लोग सब लोग ध्यान देना, जैसे ही आप लोग CRO करने आओ सबसे पहले चीज़ क्या है, सारे बटन जो होने चाहिए वो कब कहाँ होने चाहिए, ऊपर, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी बटन इन डिटेल. यहाँ पे देखो एक्सटेंड बटन है, डेट विल एक्चुअली व्हेन यू प्रेस इट ये आपका जो एक्स एक्सिस उसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा. ठीक है, सो दैट विल एक्चुअली मेक प्रॉब्लम इन योर मेजरमेंट्स, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए आपको हमेशा उसको क्या रखना है, ऊपर. ठीक है, एक्स वाई बटन क्या करता है, दो चैनल्स हैं हमारे, चैनल एक्स एंड चैनल वाई, दोनों को कंबाइन करता है, सुपर इम्पोज करता है. सो यू कैन सी दैट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो वो भी एक्चुअली क्या होना चाहिए, बाहर. ठीक है, चैनल वन सिलेक्ट करना, देखो अभी मैंने चैनल वन में दिया है, आपको आउटपुट इसलिए दिख रहा है बिकॉज चैनल वन इज सिलेक्टेड. अभी मैं इसको प्रेस कर दूँ तो चैनल टू सिलेक्ट कर होगा विच इज़ द स्ट्रेट लाइन, कुछ नहीं दिया है ना मैंने, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है. ठीक है, क्लियर. तो राइट नाउ आई एम इन चैनल वन, सो प्रेस आउटपुट होना चाहिए. और सेकंड वाला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोनो और डुअल. ठीक है, मोनो फोर मतलब ओनली वन सिंगल चैनल आई कैन विजुलाइज एट द सेम टाइम, एक टाइम पे मैं एक ही सिग्नल देख सकता हूँ. डुअल मोड होगा मतलब दोनों सिग्नल्स मैं साथ में देख सकता हूँ. कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखो मैं वाई शिफ्ट करूँगा सेकंड वाले को तो ऊपर नीचे हो रहा है, जबकि फर्स्ट चैनल में जो भी है उसको मूव करना है, तो दैट इज़ फॉर चैनल वन. क्लियर, इतना समझ आया? ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज, फॉर एग्जांपल आपको ये ध्यान में रखना है एग्जाम के अंदर कि ये जो बटन है दिस नेवर हैव टू बी ग्राउंडेड. अगर ग्राउंड होगा तो आपका सिग्नल आ रहा है फिर भी आपका आउटपुट नहीं आया, तो वो ग्राउंड क्या होना चाहिए हमेशा, इतना क्लियर. ओके, सो लेट्स, वी आर इन मोनो वन, चैनल वन सिलेक्टेड. ठीक है, अब सब देखते हैं कि हाउ टू मेजर द फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करें. तो आप लोग यहाँ ध्यान दो, सब लोग देखो कितने यहाँ पे कितने डिविजन्स हैं, देयर आर टू डिविजन्स. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मोटा बॉक्स है ना एक, वो एक डिविज़न है. दिस एंटायर बिग बॉक्स इज वन डिविज़न, और एक डिविज़न के अंदर देर आर फाइव सब मार्किंग्स. तो हर एक सब मार्किंग कितने की हुई, 0.2. ठीक है, क्लियर सबको? ओके, नाउ यू टेल मी, टू डिविजन्स मल्टीप्लाई बाई, देखो हर डिवीज़न में कितना वोल्टेज है, तो देखो चैनल वन में 5 वोल्ट दिख रहा है, सो एक डिवीज़न में 5 वोल्ट है, ऐसे कितने वोल्ट कवर कर रहा है आपका सिग्नल, 2. सो टोटल वोल्टेज कितना हुआ, 10. तो 10 वोल्ट पीक टू पीक इज योर एम्पलीट्यूड. इज दैट क्लियर, समझ आया? नाउ लेट्स सी हाउ टू मेजर द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, थोड़ा इसको मैं ब्रॉड कर दे रहा हूँ, टाइम पर डिवीज़न है चैनल वन. ठीक है, यू कैन सी नाउ वी आर गोइंग टू मेजर द फ्रीक्वेंसी. आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है एंड इट इज़ एंडिंग समवेयर हियर. ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं अराउंड हियर. ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी डिविजन्स इट इज़ कवरिंग, वन साइकिल कितना डिविजन कवर कर रहा है, अराउंड 2.2. क्लियर, सो 2.2 मल्टीप्लाई किसे करोगे आप लोग,
0.5 मिलीसेकंड्स देखा ना, टाइम बेस दिखा है। सो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मिलीसेकंड्स कितना होता है 1.1 मिलीसेकंड इज योर टाइम पीरियड। क्या है आपका? और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालोगे? 1 बाय टाइम पीरियड। सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। सो 1 डिवाइड बाय 1 इज अराउंड 1 किलोहर्ट्ज़। सो 1 किलोहर्ट्ज़ देखो मैंने यहां पे अराउंड लिया है 1 किलोहर्ट्ज़। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैंने बताई थी, याद है ना कौन सा बटन था हमारा? कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन का हमेशा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए, जीरो नहीं, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एकदम एंटी क्लॉक। इतना हो गया, एनीथिंग एल्स? आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बटन क्या है, चैनल वन एंड चैनल टू। सो चैनल वन एंड चैनल टू डिसाइड्स कि एक डिवीजन में कितना वोल्टेज होना चाहिए। देखो यहाँ पे चैनल वन में कितना है? 2 वोल्ट्स। दैट मीन्स एक डिवीजन में 2 वोल्ट्स है। अगर आप इफ़ यू वांट टू इंक्रीज, कि एक डिवीजन में 5 वोल्ट होना चाहिए। सपोज मैंने इंक्रीज किया, देखो इंक्रीज कर दिया, लेट्स इंक्रीज टू 5। तो आप लोग देखो छोटा हो गया सिग्नल, क्यों? क्योंकि एक डिवीजन में 5 वोल्ट कंसीडर कर रहा है। सही है ना? सेम वे फॉर टाइम बेस ऑल्सो। टाइम बेस डिसाइड करता है कि एक डिवीजन इन एक्स एक्सिस कितना टाइम है। इज दैट क्लियर? याद रखना सीआरओ ऑल्सो वर्क्स लाइक योर नॉर्मल आपके ग्राफ जो होते हैं इन योर बुक्स, उसके जैसा ही है। वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड एंड एक्स एक्सिस टाइम। क्लियर? चलो एनी डाउट्स? शिफ्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वाई शिफ्ट। एक्स शिफ्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे? एक्स। तो दिस इज हाउ वी मेजर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। अब एग्जाम में शायद आपको बोल दें कि भाई साइन वेव की नहीं, मुझे स्क्वायर वेव का फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मेजर करो, तो बस यहाँ पे इसको स्क्वायर वेव प्रेस करने का। ये स्क्वायर वेव आ गया हमारा। स्क्वायर वेव का सेम वेव पीक टू पीक वो एम्पलीट्यूड कितना है? तो 2 डिविजन्स ले रहे हैं, हर डिविजन में कितना वोल्टेज है? 5। तो 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड। क्लियर? और रिपीट कब हो रहा है? तो यू हैव टू सी कि भाई कहाँ से कहाँ रिपीट हो रहा है। तो सपोज आई एम टेकिंग दिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देन यू हैव टू मेजर कितने डिविजन्स उसने कवर किए, फिर उसके डिवाइडेड मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू टाइम पीरियड एंड इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज। सो इन दैट केस वी नीड टू कंसीडर दिस हॉरिजॉन्टल रिलेशन। या फॉर प्लीज एक बार आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लो कि अगर आपको टाइम पीरियड मेजर करना है तो एक्स एक्सिस ही मेजर करना है, और वोल्टेज मेजर करना है तो क्या मेजर करना है? वाई एक्सिस। व्हाट यू आर गोइंग टू मेजर? इफ़ यू आर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी तो आपको ये देखना है एक्स एक्सिस। तो देखो एक साइकिल कितने कब कवर, कितने टाइम में कवर हो रहा है? 2 डिविजन्स में। 2 डिविजन मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे आप? 0.5। ठीक है, दैट विल गिव यू टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डन। तो और कुछ डाउट है किसी को? क्लियर है? पक्का समझ आया? ओके, सेम वे फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल प्रेस करके सेम पीक टू पीक एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपलेस्ट डायग्राम। खत्म।